सब्सक्राइब करें इजी टू वे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा और स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से मेरे चैनल इजी टू वे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके का डबल जिप वाला मिनी पाउच बनाना बताने वाली हूं। इस पाउच में आप अपना जो छोटा मोटा ज़रूरत का सामान है वो इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे आप कहीं एक दो दिन के लिए ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो ये आप इसको ले जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बनाना बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से बहुत ही इजी वे में किस तरीके से इसको बनाकर रेडी किया है। और मैंने यहाँ पर जो ये फैब्रिक का यूज़ किया है, ये भी मेरी कुर्ती का जो बचा हुआ फैब्रिक था मैंने उसका यूज़ किया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा आप उसे भी प्रेस करके ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन्होंने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से दो फैब्रिक के पीस लिए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें से जो मेरा जो बड़ा वाला फैब्रिक है इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है। और ये जो मेरा दूसरा वाला फैब्रिक है इसकी जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच ली है इसके अकॉर्डिंग, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच ली हुई है। और साथ में इस बैग को बनाने के लिए हमें चाहिए ये जिप, तो इस जो जिप है ये मैंने दो जिप ली हुई है और इन जिप की भी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली हुई है। और इस तरीके से मैंने दो इनमें लगाने के लिए लिए हुए हैं रनर। तो चलिए बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा जो छोटा वाला पीस है इसमें हमें जिप को लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये 9 इंच वाला एरिया है वहाँ पर हम इस जिप को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको रखते हुए यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जिप को आप थोड़ा सा बाहर निकालें दोनों ही साइड। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जिप को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस जिप को इस तरीके से पलटते हुए सीधा करना है और जब हमें इसको पलटेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है इसको इस तरीके से दबाते हुए हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें फिट हो जाए। इस तरीके से हमें ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये हमें कपड़े का लेना है और यहाँ पर ये 2 इंच नीचे हमें इस तरीके से एक मार्क लगाकर यहाँ पर हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। जैसे हम ये इसको बीच में से कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखना है आपस में एक साथ मिलाते हुए। इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे और उसके बाद हम इस वाले पीस को इसके ऊपर इस तरीके से रख के ये तीनों पीस आपस में एक से मिले होना चाहिए क्योंकि चैन हमने थोड़ी सी बाहर निकाली है तो उसकी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हम अगेन वही करेंगे जैसे हमने इस वाले पीस में किया था, हम ऊपर से भी किनार से एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हम इस चैन को यहाँ से हल्का सा ओपन करेंगे और यहाँ पर ये जो रनर है हमारा इस तरीके से इसमें इंसर्ट करते हुए इसको फंसा देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये रनर फंसा दिया है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ये ना निकले, चैन ना निकले, इसलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक सेफ्टी पिन है उसको फंसा दीजिए या फिर आप यहाँ पर सुई से थोड़ा सा टाके लगा दीजिए ताकि यहाँ से ये चैन ना निकले। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एक जिप है जो लग चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है इसको हम यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर नीचे सिलाई लगा ली है तो इससे हमारा जो है ये नीचे अंदर वाला पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जो है ये जिप लेनी है एक और उसको ये जो चैन के ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर इस तरीके से लगानी है। ये हमने लगा दी है। अगेन हम वही करेंगे कि इसको इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करते हुए ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा ये एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है इसको हम कट करके एक सा कर लेंगे और अब हम इसको इस तरीके से ऐसा पलटते हुए सीधा एक सा मिलाएंगे और फिर हम यहाँ पर फिर से एक सिलाई लगाकर इसको चैन से पैक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है हम इसको चैन को इस तरीके से खोल करके
ये जो ऊपर से जो सिलाई है वो भी लगा देंगे। ये हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लेना है और यहाँ पर हमें पहले एक रनर को फंसाना है। इस तरीके से हमने इस रनर को फंसा दिया है। हम क्या करेंगे, ये चेन यहाँ से खुले नहीं, इसका ध्यान देते हुए इसको इस तरीके से धीरे से पलट देंगे। हमने इसको इस तरीके से पलट के उल्टा कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये चेन वाला जो पोर्शन है उसको इस तरीके से उठाते हुए हमें इसको ऐसा सीधा करना है। अब हम क्या करेंगे, किनार से इस पर सिलाई लगाकर इसको जोड़ देंगे। चैन के पास आप जो है सिलाई मशीन को थोड़ा धीरे चलाएं ताकि चैन की वजह से आपकी जो निडल है वो टूटे ना। और आपको यहाँ पर चैन के यहाँ पे कम से कम 3 से 4 सिलाई लगानी होगी ताकि ये यहाँ से चैन यहाँ से ये पक्का हो जाए। जिस तरीके से हमने यहाँ लगाया है वैसा ही हम यहाँ करेंगे कि इसको एक सा पकड़ते हुए रनर को आप थोड़ा सा बीच में कर दीजिए ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें दोनों साइड से पैक कर, इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, इस तरीके से हमें एक स्ट्रिप्स लेनी है और उस स्ट्रिप्स को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमने दोनों साइड से इसको पैक कर लिए ताकि हमारी थ्रेड बाहर ना निकले। अब हम इसको इस तरीके से खोलकर और यूँ पलट देंगे। इस तरीके से देखिए ये हमारा पाउच बनकर रेडी है। यहाँ पर आप इसको खोल के यहाँ पर छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं और ये आपका बड़ा वाला पाउच, आप इसको इस तरीके से पैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।